हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। जैसा कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां पर लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, तमाम सारे जिलों में वैकेंसियां निकाली गई थी। जिन जिलों में वैकेंसियां नहीं निकाली गई थी, वहां के लिए भी आदेश आ चुके हैं कि वहां भी वैकेंसियां देखने को आपको मिलेंगी। जहां पे आवेदन हो चुके थे, उनके रिजल्ट कब आएंगे, मेरिट लिस्ट कब बनेगी और कब तक ज्वाइनिंग कराई जाएगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत प्रारंभ की जाएगी। तो जैसा कि इसकी जो आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, काफी समय हो चुका है, अब विभागों को जो है इन्फॉर्मेशन भेजी गई है, जो भी जिले पे सूचनाएं आ चुकी हैं और वहां पर कहा गया है कि अब आगे की प्रक्रिया आप लोग शुरू कर दें। तो आगे की प्रक्रिया के लिए ईमेल आ चुके हैं सभी अधिकारियों के पास में जो जिले पर होते हैं, वहां से आपको सूचनाएं दी जाएंगी और आगे की प्रक्रिया में जहां पर आवेदन हो चुके हैं, अब आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का इसमें चयन होने वाला है। जैसा कि पहले भी इसके जीवन बताया गया था कि आपका चयन कैसे किया जाएगा, चयन पात्रता बताया गया था कि सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती है तो अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो 50% जो इसमें नियुक्तियां होंगी, जो सहायिकाएं हैं उनका चयन इसमें किया जाएगा, जो पहले से कार्य कर रही हैं। सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की स्थिति स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम आहारकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो, तो अवसर उन्हीं सहायिकाओं को मिलेगा कि जिनका 5 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। जब आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाए, उस समय आपको 5 वर्ष कंप्लीट हो चुका हो, तभी आपको यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो आयु है वो 50 वर्ष से अधिक ना हो, इसका चयन किया जाएगा। अगर 50 वर्ष से भी ज्यादा हो चुकी है आयु आपकी, तब भी आपको यहाँ पर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी जो चयन समिति का गठन किया जाएगा, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के चयन है तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों है तो चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा। तो सारे विभागों को यहाँ पर आवेदन के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ाने के लिए वहां पर सूचनाएं भेजी जा चुकी हैं और इसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष होगा। जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे और जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह का अथवा खा की महिला अधिकारी सदस्य होंगी और संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य प्रस्तुतकर्ता होंगे। तो इस तरीके से सूचनाएं जो निकल कर अभी तक आ रही हैं, आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने वाली है। जहां पर आवेदन हो चुके थे, वहां की कटाप जल्दी जारी कर दी जाएगी और जिन जिलों में भर्तियां नहीं आई थी, वहां के लिए भर्तियां भी ओपन होने जा रही हैं। तो आप लोगों के अगर जिले में आवेदन नहीं हुए थे, भर्ती नहीं आई थी, तो वहां आपको जल्द ही इसका आवेदन देखने को मिलेगा। जहां पर आवेदन हो चुके हैं, वहां के रिजल्ट आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। सितंबर माह के लास्ट तक आपको एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक हम आसानी से पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।